तुम मेरी बची हुई को भी मारना चाह रही हो, क्या चीज हो तुम, समझ नहीं आता। पैसे के लिए इतना नीच बन रही हो ना, गिर रही हो जिस तरीके की आप औरत हैं, तो देखना आपके साथ क्या होगा। तो इतना मुझे नहीं लगता कि किसी को गिरना चाहिए जितना आप गिर रही हैं। मेरे इनकी शकल देख के ना मेरे को इतनी घिन आ रही है कि मेरे सामने होती ना एक खींच के चमाट मारती इनके मुंह पे, सामने होती तो। तुम्हें हिम्मत हो ना तो थोड़ा सामने आके दिखाना इस तरीके से जो तुम बोल रही हो, पर वहीं से पड़ जाएगा, चिंता मत करो। फ्रेंड्स, नया बिजनेस स्टार्ट करते ही सपना को धमकी किसकी आने लग गई। आखिर सपना ने तो ससुराल की सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी, अपना हक तक छोड़ दिया, तो भी फोन कर करके सुबह शाम सपना को कौन धमकी दे रहा है बार बार। क्यों उस बेचारी को काम नहीं करने दिया जा रहा है? पहले अंशु का चैनल हैक करके सपना के नाम से ये बदनामी फैलाई गई सोशल मीडिया पे कि सपना गुजरात गई थी और अंशु का जो चैनल है वो भी गुजरात से हैक हुआ था। सपना गुजरात से सिंपैथी कार्ड खेल रही थी ताकि अंशु के दिल में अंशु के मम्मी पापा के लिए नफरत पैदा हो जाए। ये वाकया शांत भी नहीं हुआ था कि सपना जब गुजरात गई और सपना ने अपना बिजनेस नया स्टार्ट करने के लिए कुछ शोरूम्स वगैरह में गई और उसका प्रमोशंस भी किया, उसके बाद सपना जैसे ही ग्वालियर लौटी उसके बाद सपना का चैनल तक हैक करने की कोशिश की गई, पर वो तो भला हो सपना का कि सपना ने वक्त रहते देख लिया और सपना ने चैनल का पासवर्ड फटाक से बदल दिया। तो अब तक तो सपना के ऊपर शक हो रहा था कि सपना ने अंशु का चैनल हैक किया होगा गलत फहमी पैदा करने के लिए। तो फिर सपना का चैनल हैक करने की कोशिश किसने करी? सपना ने ऑलरेडी 1, 2, 3 चैनल थे सपना के, सब दे दिए अंशु को। हालांकि रॉट पे कोई वीडियो वगैरह नहीं आ रहा है, अभी भी उस चीज़ को लेके कश्मकश चल रही है कि उस चैनल को अंशु चलाएगी या सपना चलाएगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि दोनों के बीच में रॉट चैनल इतना ज़्यादा वो हो जाए कि ख़त्म ही हो जाए। पर अभी सपना ने वो रॉट चैनल सपना अंशु को दे दिया, अब अंशु जाने उसका क्या करना है। पर सपना को बिजनेस स्टार्ट नहीं करने दिया जा रहा है, यहाँ तक कि सपना के रात को भी सपना ने